दोस्तों, हम बचपन से ही बॉलीवुड की फिल्मों को देखते हुए बड़े हुए हैं। फिल्मों के एक्टर्स को अपना हीरो और अपना आदर्श मानते हुए बड़े हुए हैं। हमें किसी ने बताया ही नहीं कि फिल्मों के ये जो भांड हैं, ये पैसे लेकर गुंडों को मारते हैं, ना कि असली हीरो हैं। बचपन से हीरो माना है तो इतनी जल्दी वो साइकोलॉजी कैसे चेंज हो सकती है? आम जनता आज भी बॉलीवुड वालों को आम इंसान समझती है, हीरो समझती है, अपना समझती है। उन्हें लगता है कि ये लोग भी हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह इनकी फीलिंग्स होती हैं। लेकिन वास्तव में ये सच नहीं है। ये बॉलीवुड के लोग हमारे जैसे बस दिखते हैं, बाकी इनके अंदर हमारे जैसा कुछ नहीं होता। बॉलीवुड में कलाकार बनने के लिए जाते तो हम ही लोगों में से हैं, लेकिन जो एक्टर, जो व्यक्ति 5 से 7 साल बॉलीवुड के अंदर रह जाता है, या वहाँ की जिसको हवा लग जाती है, फिर उसके सोचने का, उसके रहने का, उसके खाने पीने का, हर चीज का तरीका बदल जाता है। कल परसों से मंदिरा बेदी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल हो रही है, क्योंकि उसने थाईलैंड से ऐसी पिक पोस्ट की है जिसे देखकर हर किसी का दिमाग घूम जाए। मंदिरा अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी मनाने थाईलैंड गई हुई है और वहां से उसने स्विमिंग पूल में खुद की और अपने दोस्त की पिक पोस्ट की है। खुद मंदिरा बिकनी में है और दोस्त ने पता नहीं क्या पहना है, हमें तो दिख नहीं रहा। आप लोग देखकर बताना कि इसने क्या पहना हुआ है। इस पिक को देखकर नेटिजन्स ने मंदिरा को ट्रोल करना शुरू कर दिया कि पति को मरे हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और ये थाईलैंड में अपने सो कॉल्ड दोस्त के साथ बिकनी पहन के नहाते हुए मजे ले रही है। लोगों ने मंदिरा की पिक पर कमेंट किया कि ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं जो नंगे होकर स्विमिंग पूल में नहा लेते हैं। किसी ने कहा कि पति की मौत के बाद मंदिरा बहुत ज्यादा खुश रहने लगी है और ज्यादा पिक्स पोस्ट करती है। किसी ने कहा कि मंदिरा इस दोस्त के साथ थाईलैंड में मजे करने गई है। मंदिरा ने भी अपनी पिक पर काफी सारे कमेंट्स पढ़े होंगे तो उसने अपना कमेंट बॉक्स बंद कर दिया। वैसे मंदिरा ने कमेंट बॉक्स बंद करके अपने आप को गलत ही साबित किया है। मंदिरा अगर सही थी तो उसे कम से कम एक जवाब देना चाहिए था, एक कमेंट कर देना चाहिए था कि वो सिर्फ अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रही है और अपनी पर्सनल लाइफ में वो कुछ भी कर सकती है। ऐसे कमेंट बॉक्स बंद करने से वो बस अपना अहंकार दिखा रही है। इन लोगों के घर परिवार में कोई मर जाए तो अगले दिन पार्टी करने निकल जाते हैं, अगले दिन अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में घूमने निकल जाते हैं। कहां से ये लोग हम जैसे हो सकते हैं दोस्तों? और कौन है वो बेवकूफ लोग जो बोलते हैं कि बॉलीवुड के कलाकार भी आम इंसानों के जैसे होते हैं? कौन सा आम आदमी अपने नॉर्मल दोस्त के साथ इस तरह से नंगा होकर स्विमिंग पूल में चिपट के नहाता है? दोस्त, बॉयफ्रेंड और पति, इनके साथ में बात करते हुए या हंसते हुए या कोई भी अलग एक्टिविटी करते हुए हमारा एक दायरा होता है, हमारी एक सीमा होती है कि हमें अपने दोस्त से किस तरह से बात करनी है, अपने हस्बैंड से किस तरह से बात करनी है या बॉयफ्रेंड से किस तरह से बिहेव करना है। ये नहीं कि आप सबके साथ नंगे होकर या बिकिनी पहन के चिपटने लग जाओ। हम आपको बता दें कि बॉलीवुड में दोस्ती के नाम पर सबसे ज्यादा कांड होते हैं। एक ये मंदिरा बेदी तो आज या कल में वायरल हुई है। पिछले कुछ दिनों से शहनाज गिल और सलमान खान बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। शहनाज दोस्ती के नाम पर सलमान खान की गोद में बैठने को फड़फड़ा रही है। किसी समय पर शाहरुख खान और काजोल इसी तरह की हरकतें करते थे और नाम देते थे दोस्ती का। सलमान खान की इस टाइप की दोस्ती तो ऑलमोस्ट सभी एक्ट्रेसेस के साथ है। ये दोस्ती है तो रिलेशनशिप किसको कहते हैं दोस्तों? और कौन सा आम आदमी अपनी दोस्त के साथ में ऐसे नंगे होकर चिपटता है जो ये कहा जाता है कि ये लोग आम इंसान है? इन लोगों की जिंदगी में सिर्फ पैसा और अय्याशी जरूरी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। इनकी तरफ से इनकी माँ मरे, बाप मरे, भाई मरे, बेटा मरे या पति मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के मरने या जीने से बहुत ज्यादा फर्क इनको नहीं पड़ता और 4 दिन बाद ही ये अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। और लाइफ क्या है इनकी? सिर्फ पैसा कमाना और अय्याशी करना। ये लोग पहले दोस्ती के नाम पर एक दूसरे के सारे पुर्जे खोल देंगे और बाद में बोलेंगे वी आर जस्ट फ्रेंड्स गाइस। तो मंदिरा की इस दोस्ती पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज। दोस्तों, समय समय पर मुंबई के 93 ब्लास्ट का जिन बोतल से बाहर आ ही जाता है और जब जब 93 ब्लास्ट की बात चलती है तब तब द मोस्ट इनोसेंट और हम्बल एक्टर संजय दत्त का नाम भी चर्चा में आना तय है। संजय दत्त का कहीं जिक्र आता है तो लोग इसे डाउन टू अर्थ बताते हैं, हम्बल और इनोसेंट एक्टर बताते हैं, लेकिन संजय दत्त क्या है ये बॉलीवुड के लोगों को पता है या मुंबई में रहने वाले उस इंसान को पता होगा जो बॉलीवुड में अंदर तक की जानकारी रखता है? अभी हाल ही में NIA ने अंडरवर्ल्ड की 20 जगहों पर रेड डाली जो काफी चर्चा में है। चर्चा में इसीलिए है कि इस रेड में NIA ने समीर हिंगोरा के घर पर भी रेड डाली है। समीर हिंगोरा के बारे में हम आपको शॉर्ट में बता दें कि
93 में जब संजय दत्त के घर से AK-56 और बाकी हथियार मिले थे, वो दाऊद ने मुंबई पहुंचाए और वो मुंबई में अलग अलग लोगों को बांटे गए थे। उन्हीं हथियारों में से AK-56 थी जो समीर हिंगोरा ने अपनी गाड़ी में रखकर संजय दत्त के घर पर जाकर छोड़ी थी। समीर हिंगोरा पेशे से एक फिल्म प्रोड्यूसर है। समीर हिंगोरा का जिक्र आया तो संजय दत्त का भी जिक्र आना तय है और हमें संजय दत्त पर लिखी एक किताब का एक वाक्या याद आ गया। हमने 2 साल पहले वो किताब पढ़ी थी। ये किताब यासिर उस्मान ने लिखी है और यासिर उस्मान ने बॉलीवुड के कई एक्टर्स की बायोग्राफी लिखी है। बुक का नाम है द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बॉय संजय दत्त। इस बुक में 93 ब्लास्ट के बाद संजय और सुनील दत्त के इमोशंस के बारे में लिखा है। किताब में लिखा है कि जब सुनील दत्त को पता चला कि 93 ब्लास्ट हो गया है और उसमें संजय दत्त का नाम भी शामिल है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गए। उस समय के जॉइंट कमिश्नर MN सिंह ने कहा कि अगर संजय दत्त हथियारों की बात धमाकों से 2 दिन पहले भी बता देता, किसी को भी बता देता, पुलिस को या अपने बाप को, तो ये जो धमाके हुए थे मुंबई में, इन धमाकों को रोका जा सकता था, सैकड़ों लोगों को बचाया जा सकता था और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति स्वाहा होने से बच जाती। सुनील दत्त कमिश्नर की बात सुनकर संजय दत्त से मिलने जेल जाते हैं और इनोसेंट संजय दत्त से सच बोलने को कहते हैं। सुनील दत्त ने कहा कि मुझे सच बताओ, जो भी तुम जानते हो या जितना भी तुम इस केस में इन्वॉल्व हो। संजय दत्त जेल में बंद था, उस पर 93 बम धमाकों के आरोप लगे हुए थे, लेकिन संजय दत्त पूरी तरह से बेफिक्र था। सुनील दत्त के बार बार पूछने पर संजय दत्त ने कहा कि उसकी रगों में एक मुस्लिम का खून दौड़ रहा है और वो एक सच्चा मुसलमान है और दंगों में मुसलमानों के मरने का उसे बहुत दुख है और वो बदला लेना चाहता था। सुनील दत्त ने कहा कि दंगों में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं मारे गए, हिंदू भी मारे गए थे। तो इनोसेंट संजय दत्त ने फिर से कहा कि उसकी रगों में एक मुस्लिम का खून दौड़ रहा है। संजय दत्त की बात सुनकर सुनील दत्त बहुत सदमे में आ जाते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। किताब का ये वाक्या बताता है कि संजय दत्त ने जो भी कुछ किया वो जानबूझकर किया था और करने के बाद भी उसे किसी भी तरह का कोई भी अफसोस नहीं था। संजय दत्त की बातों से ये भी लग रहा था कि उसे 93 ब्लास्ट के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था और उससे भी बड़ी बात कि संजय दत्त को अपने किए पर जरा सा भी पछतावा नहीं था। संजय दत्त ने शुरुआती जांच में और सबूत दिखाने के बाद कोर्ट में भी ये स्वीकार कर लिया था कि वो ब्लास्ट के बारे में पहले से जानता था, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि बाद में 93 ब्लास्ट वाला जो केस था, जो धाराएं थी, वो गायब हो गई और सिर्फ हथियार रखने का केस ही उस पर रखा गया, जिसके बाद उसे सजा भी हुई थी। कुछ सजा उसने फुटकर में पहले ही काट ली थी और बाकी जो सजा थी वो उसने 2013 से 2016 तक काट ली थी। और आज की डेट में संजय दत्त राजनीतिक पार्टियों की तरह एकदम साफ सुथरा और पाक पवित्र बन चुका है। संजय दत्त का ये बयान कि उसकी रगों में एक मुस्लिम का खून दौड़ रहा है, सारी कहानी अपने आप में बयां कर रहा है। लेकिन देश की आधी जनता को लगता है कि संजय दत्त ने 20-25 साल बहुत कुछ झेला है, वो एक बेकसूर था और उसने इतना कुछ किया नहीं था जितना उस बंदे ने झेल लिया है, जिसकी जानकारी में सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई, उसने बहुत ज्यादा झेल लिया है। जिसके घर पर ब्लास्ट से संबंधित हथियार मिले, वो अपने PR की मदद से आज इनोसेंट बेचारा बना हुआ है और लोग उसके बारे में सोचते हैं कि इस बंदे ने बहुत कुछ झेला है। सैकड़ों लोगों की जानें चली गई और ये बंदा आज की डेट में भी खुलकर अय्याशी कर रहा है और इसके लिए बोला जाता है कि इसने बहुत कुछ झेला है। सजा काट लेने से एक आतंकवादी इनोसेंट नहीं बन जाता, क्रिमिनल हमेशा क्रिमिनल ही रहता है। परिवर्तन विचारों से आता है और संजय दत्त के वो बयान जो उसने ब्लास्ट के बाद में दिए थे, वो बताते हैं कि उसका ब्लास्ट से जो कनेक्शन था वो दिल से था और ब्लास्ट के बाद लोगों के मरने के बाद भी उसमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। मुंबई ब्लास्ट हुआ था 1993 में और साल 2002 में भी संजय दत्त की अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील से बातचीत की रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, जो ये बताती है कि 10 साल के बाद भी और 3-4 बार जेल जाने के बाद भी संजय दत्त का अंडरवर्ल्ड के साथ संपर्क बिल्कुल भी नहीं टूटा था। जब संजय दत्त जेल जाके 2002 तक भी नहीं सुधरा था तो 2002 के बाद तो उसे किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, ना जेल गया, ना किसी कानून का डर था, तो वो अंडरवर्ल्ड से अपना रिश्ता क्यों तोड़ता। संजय दत्त को अपने किए पर कभी भी पछतावा नहीं हुआ और यही वजह थी कि उसने कभी भी अंडरवर्ल्ड से अपने रिश्ते को खत्म नहीं किया।